लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें सपा ने 37 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को सहारनपुर, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद और बाराबंकी सीट से जीत मिली। इसके साथ ही पार्टी कई सीटों पर काफी कम मार्जिन से जीत से चूक गई। ऐसी एक सीट बांसगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद की मामूली अंतर से हार का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामला कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने लगाया धांधली का आरोप। बांसगांव से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश पासवान ने कांग्रेस के सदल प्रसाद को 3150 मतों से हराया, लेकिन मतगणना के समय ही बवाल शुरू हो गया था। कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 33 राउंड गणना होनी थी। मतगणना दोपहर 2 बजे ही समाप्त हो गई थी, लेकिन जानबूझकर घोषणा करने में देरी की गई। मतपत्रों की घोषणा में देरी के दौरान उन्होंने कॉपी मांगी तो अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अंतिम दौर में वो शौचालय जाने के लिए बाहर निकले तो उन्हें अंदर आने ही नहीं दिया गया और इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी की जीत की घोषणा कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना में आंकड़ों की बाजीगरी की गई है। सदल प्रसाद ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर वो जरूरी दस्तावेजी साक्ष्य जुटा रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सदल प्रसाद ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर लोकसभा चुनाव में हराया गया है। शिकायत के बाद भी जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की। कमलेश पासवान ने आरोपों को निराधार बताया। बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने गठबंधन के प्रत्याशी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है। सदल प्रसाद कम मतों से हार गए तो धांधली का आरोप लगाने लगे। वैसे उनकी जगह वो भी रहते तो शायद यही करते। चुनाव जीते बीजेपी सांसद कमलेश पासवान ने मतगणना में धांधली के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि गठबंधन प्रत्याशी किसी भी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है, जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। ये कहना कि सरकार और प्रशासन के दबाव में ऐसा किया गया है तो ये बिल्कुल समझ से परे है। वो चाहे तो किसी भी फोरम में चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी को अपनी शिकायत के साथ वोटों की गणना संबंधित दस्तावेजों को वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को देने के लिए कहा है। इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. सीपी राय ने कहा कि सलमान खुर्शीद पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की शिकायतों व दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सदल प्रसाद जी को जबरदस्ती हरवाया, जबरदस्ती सरकार ने हरवाया सदल प्रसाद जी को। बांसगांव हमारी देवरिया की सीट जबरदस्ती हराई गई, महाराजगंज की सीट जबरदस्ती हराई गई और अमरोहा की सीट जबरदस्ती हराई गई। बनारस में पूरी तरीके से सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, मैं अकेला, मेरा मनोबल, मेरे कार्यकर्ता और मेरी जनता, सारे मुख्यमंत्री बनारस में, सारे मंत्री बनारस में, 8-8 गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनारस में, पूरी ताकत लगा दिया बनारस में और जीतने में पसीने फेंक दिया। प्रधानमंत्री ने पसीने निकल गए, 4 राउंड तक हारते रहे।